नमस्कार, आप ई सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से। और आप सभी को जानकारी दे कि यमुनानगर में सुबह सुबह एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि एक बार फिर से यमुनानगर में HDFC बैंक के बाहर गोलियां चल जाती हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि शरवन हमीदा कॉलोनी का निवासी 15 साल से बंसल ट्रेडिंग पर काम किया करता था। वो अपना कुछ कैश जमा कराने के लिए, यानी कि लगभग 50 लाख रुपये का अमाउंट जो बताया जा रहा है वो कराने के लिए कमानी चौक ब्रांच में आता है, और जिसके बाद कुछ नकाबपोश बदमाश उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो बैंक के बाहर उसे घेर लेते हैं और उसकी कनपट्टी पर जो है रिवॉल्वर चलाने का प्रयास करते हैं और वहां पर ऑन द स्पॉट गोली चला देते हैं। आनंद फानन में जो है सरवन को आसपास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना जो है यमुनानगर में सामने आई है। कहीं ना कहीं मौके पर जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और साथ ही साथ SP पहुंच चुके हैं। CIA की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। खैर, अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि लगभग कितना अमाउंट था, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ कितना अमाउंट था। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। मौके पर पहुंचे हैं SP कमलदीप गोयल, उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है, किस प्रकार से जो है वो इस पर लगाम लगाएंगे। जो उसको गोली लगी है शरण कुमार, उनका जो ओनर है जो उससे मेरी बात की, तो मतलब 50 लाख रुपये निकाल दिए। कोल्ड ड्रिंक की ट्रेडिंग का काम करते हैं और 3 दिन का उनका कैश छुट्टी होने की वजह से जमा नहीं करवा पाई। तो आज उनका गोली जमा करवाने आया तो उसको पैसे छीनने का प्रयास किया और थोड़ा सा विरोध किया। मालिक को 50 लाख रुपये। तो सर, अभी आप CCTV वगैरह भी खंगाल रहे हैं, तो क्या आप देखना चाहते हैं? अभी देख रहे हैं, CCTV फुटेज है अवेलेबल, उसके बेस पे कुछ पोस्टमार्टम। सर, कितने गोली लगी? अभी पोस्टमार्टम में चल रही है। सर, लगातार कभी ATM को तोड़ा जाता है, कभी ऐसे लूटपाट हो रही है। सर, पुरानी वारदात कंटेस है, नई वारदात लगातार हो रही है, पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं जितने भी इस तरह के कंटेस मामलों में कुछ हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं यूपी के बदमाश यहाँ के वारदातें करें, क्योंकि वहाँ पे योगी सरकार आने के बाद एक टेरर पैदा हुआ है बदमाशों में। वो बदमाश यहाँ मुझे पकड़े नहीं जाते, ठीक नहीं होगा। ठीक है सर, फिलहाल CCTV में क्या नजर आया, कितने लोग थे? 2 लोग नजर आ रहे हैं साइकिल पे। सर, नाके रेकी हो रही थी बैठ? हाँ, वो पहले से बैठे नजर आ रहे हैं। तो सर, नाकेबंदी वगैरह की गई है? डिस्ट्रिक्ट सीलिंग प्लान के तहत हमने नाकाबंदी करवा दी है, हमारा प्रयास है। लेकिन सीलिंग प्लान के दौरान ऐसी वारदात बढ़ती जा रही है? सीलिंग प्लान को जैसे वारदात हुई है, उसके बाद हम जितने भी हमारी फोर्स है उसको रोकते निकालते हैं, और हम रेगुलरली वीक में 1 या 2 बार सीलिंग प्लान रूटीन में भी लगाते हैं, ताकि इस तरह की वारदात। तो जिस प्रकार से पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने जानकारी दी कि कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की CCTV वीडियो जो है कैद हो जाएगी, जिसके बाद वो लोग इन पर कार्रवाई करेंगे। आनंद फानन में फोरेंसिक की टीम को बुला लिया गया है, मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। लेकिन बात ये बताई जा रही है कि कमानी चौक सबसे व्यस्तम चौक है, और आपको जानकारी दे दें कि कमानी चौक पर पुलिस के नौजवान और साथ ही साथ होमगार्ड के जवान भी रहते हैं। लेकिन इस बीच इस तरह का हादसा जाना बेहद ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर यमुनानगर को क्या हो गया है, क्योंकि आए दिन यमुनानगर में नई नई घटनाएं जो है जन्म लेती हुई नजर आ रही है। वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IBN 24 के साथ। नमस्कार।